हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रिक्यूरिंग कंटिन्यूड जो फ्रैक्शंस होती है वो क्या होती है। इनको अपन हिंदी में बोले हैं तो हिंदी में बोलेंगे आवृत्ति वितत भिन्न। अब देखिए ये भिन्न क्या होती है और इसको अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको यहाँ पर अपने देखेंगे। देखिए आवृत्ति वितत भिन्न के नाम से ही, इसमें देखो नाम से ही पता चल रहा है आवृत्ति। यहाँ पे क्या होती है, आवृत्ति होती है किसकी, वितत भिन्न की। ठीक है, यानी इसके अंदर अपन ये कह सकते हैं कि किसी संख्या को जब अपन वितत भिन्न के अंदर चेंज कर रहे होते हैं तो उसके भागफल की पुनरावृत्ति होती है, या ऐसे कह सकते हैं कि एक निश्चित पद के बाद जो पद की जो पुनरावृत्ति होती है वो बार बार होती है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे सरल वितत भिन्न, सॉरी आवृत्ति वितत भिन्न यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन को अपन देखें तो भागफल जो है वो निश्चित पद के बाद, या तो भागफल की पुनरावृत्ति हो जाती है या भागफल किसी निश्चित पद के बाद उसकी पुनरावृत्ति होती है। देखिए जैसे यहाँ पर अपन एग्जाम्पल लेके देखें तो मान लो पहला भागफल ए आया और इसी की बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, एक तो कंडीशन ये हो सकती है, ठीक है, आवृत्ति वितत भिन्न की या रिक्यूरिंग कंटिन्यूड फ्रैक्शन की। और दूसरी जो है वो क्या हो सकती है, यहाँ पे देखिए दूसरी यहाँ पे इस तरह से हो सकती है ए प्लस एक बटा बी प्लस एक बटा सी प्लस एक बटा डी। आप देखिए वापस सी प्लस वापस डी वापस सी वापस डी, इस तरह से जो है वो यहाँ पे इसकी क्या होती है पुनरावृत्ति, सी और डी की क्या हो रही है यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस तरह से जो मान लो यहाँ पे दो भागफल की भी हो सकती है या एक भागफल की भी यहाँ पे जो पुनरावृत्ति है वो यहाँ पर हो सकती है, तो ऐसी जो भिन्न होती है वो क्या कहलाती है, रिक्यूरिंग कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी सरल आवृत्ति वितत भिन्न जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट होती है, या आवृत्ति वितत भिन्न जो है वो कहलाती है। अब देखिए ये जो आवृत्ति वितत भिन्न है, इन आवृत्ति वितत भिन्न को अपन कोई भी जो गिवन क्वेश्चंस है उनके अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उनको यहाँ पर अपने देखेंगे। ठीक है, और उसके सॉल्यूशन को भी अपन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपने को एग्जांपल की हेल्प से इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर अपने को गिवन है कि निम्न वितत भिन्न का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पे इसका मान ज्ञात करना है। इस तरह से अपने को कोई वितत भिन्न गिवन है और इस वितत भिन्न का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम अपने को क्या होता है, जो गिवन वितत भिन्न है या कंटिन्यूड फ्रैक्शन है उसको अपन कोई जो वेरिएबल है वो मान लेते हैं। मैंने इसको x मान लिया, x बराबर है एक प्लस एक बटा दो प्लस एक बटा तीन प्लस एक बटा दो प्लस एक बटा तीन प्लस। ठीक है, अब देखिए जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही, जैसे इस एक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो इसको मैं इधर ले आती हूँ, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वन, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर जो बचा अब इनकी क्या हो रही है, यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, ये जो वैल्यू है तीन के आगे की जो वैल्यू है उसको मैं क्या पुट कर दूँ, x माइनस वन पुट कर दूँ। देखिए यहाँ पर देखिए अपन x माइनस वन की जो वैल्यू है वो ये है। ठीक है, तो देखिए इसके आगे का पार्ट भी तो यही सेम ही है, तो मैं इसको क्या पुट कर दूँ, x माइनस वन इजिकल्स टू एक बटा दो प्लस एक बटा तीन प्लस एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यानी ये जो आगे की वैल्यू है इसको मैंने क्या पुट कर दिया, एक्स माइनस वन जो है वो यहाँ पर पुट कर दिया, तो यहाँ पर ये क्या बन गया अपना एक बटा दो प्लस एक बटा एक्स प्लस दो, ये बन गया। यानी अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो किस तरह से लिखूँगी, ये दो के प्लस में ही तो हैं दोनों वैल्यूज, यानी इसको इस तरह से लिख सकती हूँ दो प्लस एक बटा एक्स प्लस है दो, ऐसे ही लिखते हैं ना अगली वाली जो भिन्न होती है उसको। अब इसको अपन सरल कर लेते हैं,
तो अपने पास यहाँ आ जाएंगे 2x प्लस 5 बटा एक्स बटा 2, और ये क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो अपनी जो भिन्न है वो क्या आ जाएगी, x माइनस 2 बटा 2x प्लस 5, ये यहाँ पर आ जाएगी। अब देखिए ये जो वैल्यू अपने को फाइंड आउट हुई है उसको अपन किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, एक्स माइनस 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखिए कैसे अपने पास में क्या आया है उसको लिख लेते हैं पहले। x माइनस 1 बराबर में आया है x माइनस x प्लस 2 बटा, ये प्लस 7 है, x प्लस 2 बटा 2x प्लस है 5, तो यही होगा, तिरछा गुणा कर लेते हैं अपन, वज्र गुणन, ठीक है, तो हो जाएगा x माइनस 1 2x प्लस 5 इजिकल्स टू एक्स प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ से अपने को एक द्विघात समीकरण जो है वो अपने को फाइंड आउट होगी, और उसकी जो वैल्यू है उसको सरल करके अपन आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब इसको अपन सरल करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, पहले इसका मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 5, और ये भी इधर ले आते हैं माइनस एक्स माइनस 2 बराबर में 0, तो इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर, 5 ऐसे 2 गए, 3 3 में से 1 गया 2, और माइनस 7 बराबर में 0, यही जो है वो द्विघात इक्वेशन अपने पास में फाइंड आउट आ जाएगी। ये प्लस का होगा यहाँ पे, 5x प्लस के इसलिए, ठीक है। अब इस द्विघात जो समीकरण है उसका सॉल्यूशन अपन श्रीधराचार्य सूत्र से इजीली निकाल सकते हैं, तो मैं इधर लिख देती हूँ श्रीधराचार्य सूत्र से x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 1 28 हो जाएगा बटे 4, ये यहाँ पर है आएगा, ठीक है। अब 28 प्लस 4 जो है वो कितने हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे 4 इंटू 2 8 इंटू 7 कितने हो जाएंगे, 56 होंगे, ठीक है ठीक है, 56 होंगे यहाँ पे, 56 और 4 ये 56 होंगे, तो यहाँ पे देखिए माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ये 60 हो जाएगा बटे में 4। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 बाहर निकाल लिया और अंदर बच गए 15 बटा 4। अब अपन 2 कॉमन लेके इसको इजीली जो काट सकते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन जो है वो अपने पास से आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, x की वैल्यू यहाँ पे 2 चला जाएगा तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 15 बटा 2 ये आ जाएगा। अब अपन जानते हैं कि जो अपनी वितत भिन्न है उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नेगेटिव मान नहीं हो सकता है, अतः जो इसका पॉजिटिव वाली जो वैल्यू होगी वो अपने इसकी सॉल्यूशन है हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 1 प्लस अंडर रूट 15 बटे में 2, ये वैल्यू अपने को यहाँ पर फाइंड आउट है, और ये क्या होगा, इस वितत भिन्न का सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है। इस तरह से अपन किसी भी वितत भिन्न का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए एक और एग्जांपल अपन देख लेते हैं जिसमें क्या होता हो, भागफल ही क्या हो रहा हो, अपना रिपीट हो रहा हो। जैसे अपन ने फर्स्ट टाइप का जो एग्जांपल देखा था ना, उसकी तरह का कोई एग्जांपल हो तो उसके लिए जो वितत भिन्न है उसका मान कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए देखिए अपने को यहाँ पे गिवन है a प्लस 1 बटा 2a प्लस 1 बटा 2a प्लस 1 बटा 2a, इस तरह से ये जो है वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो रही है, ठीक है। और इसके बराबर में मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू मुझे यहाँ पर लेके आनी है, सॉरी प्लस 1 है, ए स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू यहाँ पर मुझे प्रूफ करनी है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया था ये इधर वाला जो पार्ट है इसको अपन लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो माना अक्स बराबर ए प्लस 1 बटा
दो ए प्लस एक बटा दो ए प्लस, इस तरह से जो वैल्यू है वो आगे चलती जाएगी। अब देखिए मैं इसको इधर ले आती हूँ तो ये हो जाएगा x माइनस ए दो ए प्लस बटा दो ए प्लस। अब ये जो दो ए के बाद की जो वैल्यू है उसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस ए, ये यहाँ पर पुट कर सकते हैं ना अपन इजीली। दो ए के बाद की जो वैल्यू, सॉरी इधर नहीं, इसका जो अगला स्टेप है उसी के अंदर कर देते हैं क्योंकि इसमें सारे स्टेप जो है वो कैसे हैं अपने सेम है। तो यहाँ पे हो जाएगा दो ए प्लस एक्स माइनस ए, ये मैंने यहाँ पर इसको पुट कर दिया तो देखिए क्या सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। एक्स माइनस ए इजिकल्स में बन गया एक बटा एक्स प्लस ए, ये बन गया यहाँ पे। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए इजिकल्स टू में वन, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजिकल्स में वन, तो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए वन। ये इतना यहाँ पर आ गया। अब देखिए इतना आने के बाद अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे x का अंडर रूट लेंगे तो x बराबर में आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर आएगी। अब अपने को पता है कि यहाँ पे जो नेगेटिव मान है उसको अपन यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, लिखेंगे नेगेटिव मान है नहीं ले सकते हैं, अतः x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, सिर्फ प्लस वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पर है हो जाएगी, ठीक है। और यही अपने को यहाँ पर क्या करना था, प्रूफ करना था। इसी तरह से अपन इजीली जो है रिक्यूरिंग कंटिन्यूड फ्रैक्शंस जो गिवन होती है, सरल सॉरी आवृत्ति वितत भिन्न जो गिवन होती है उसकी वैल्यूज़ को अपन इजीली यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से उनका मान जो है वो अपन है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने रिक्यूरिंग कंटिन्यूड फ्रैक्शन को डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।